बायफेशियल पैनल को लेके अलग अलग लोगों की अलग अलग राय रहती है। कुछ लोगों का कहना यह होता है कि बायफेशियल पैनल जो है इंडिया का सबसे ज़्यादा जनरेशन करने वाला पैनल है, पर यहीं कुछ लोग जो हैं वो कहता है कि बायफेशियल पैनल के बारे में सिर्फ बातें ज़्यादा होती हैं और बायफेशियल पैनल काम कम करता है। साथ में एक नेक्सस का सोलर एयर कंडीशनर है जिसके बारे में हम लोग दावा करते हैं कि जो सोलर एयर कंडीशनर है मैक्सिमम आप 10 से 12 घंटे भी चलाएंगे और अगर आप उसको ग्रिड पे भी चलाएंगे तो भी 3 यूनिट से ज़्यादा वो पावर कंजप्शन नहीं करेगा। तो उस पर भी बहुत सारे जो क्रिटिक्स होते हैं उन लोगों की ये रहती है कि भाई इतना हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है। मेरी बहुत सारी वीडियोस पर बहुत सारे जो हमारे यूजर्स हैं या हमारे व्यूअर्स हैं उन लोगों के कमेंट रहते हैं कि सर जो बायफेशियल पैनल है वो अगर इतना ज़्यादा जनरेशन करता है तो उसका कोई लाइव प्रूफ आप हमें ज़रूर दिखाइएगा, और जो आपका एयर कंडीशनर है उस इतने कम पावर कंजप्शन आपका एयर कंडीशनर करता है तो कृपया उसका भी कोई लाइव वीडियो हमें ज़रूर दिखाएं। तो फ्रेंड्स, आज एक वीडियो मेरे को प्राप्त हुआ है हाथरस से और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मिस्टर हितेंद्र कुमार जी का जो झटका मशीन विमोक्ष झटका मशीन का इलेक्ट्रिकल शॉप चलाते हैं। हमने 2021 में 26 जनवरी को ऑफर पैक एक निकाला था 3 KV और 5 KV पे, जिस पे हम लोग एक 3 KV के और 5 KV के साथ में एक अपना सोलर का एयर कंडीशनर हम लोगों ने फ्री दिया। तो हितेंद्र जी ने वो वाला जो है ऑफर है वो ऑफर हमसे बाई किया था और आज करीब एक महीने से ज़्यादा हो गया है हितेंद्र जी को हमारा जो सोलर सिस्टम है उसको यूज करते हुए। सोलर एयर कंडीशनर भी उनके पास है और पूरा हमारा सोलर सिस्टम जो है उन्होंने अपने घर पे लगवाया हुआ है। जिस दिन से उन्होंने सोलर सिस्टम लगवाया है अपने जो फ्यूज हैं वो उन्होंने बाहर कर रखे हैं और एक ऐसा पैक उनके घर पे लगा हुआ है जिसमें पिछले 1.25 महीने से उन्होंने अपने ग्रिड को कोई यूज नहीं किया है। अगेन मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हितेंद्र जी का कि जिन्होंने अपने अमूल्य समय में से एक यूजर रिव्यू वीडियो मेरे लिए बनाया, स्पेशल उन्होंने मेरे लिए बनाया, पर मेरे कई सारे जो हमारे व्यूअर्स के डाउट्स थे उनके लिए इस वीडियो को अनकट मैं आप लोगों को लगा रहा हूँ। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कि इस वीडियो के अंदर आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जो हितेंद्र जी हैं वो इलेक्ट्रिकल शॉप चलाते हैं हाथरस में, तो उन्होंने अपने मीटर एनर्जी मीटर और कई सारे मीटर्स लगा के महीने का कितना जनरेशन बायफेशियल पैनल उन्हें किया है उसका विद प्रूफ उन्होंने मीटर में रिकॉर्डिंग की है, और इसी के साथ भी हमारे जो एयर कंडीशनर के पावर कंजप्शन हैं उनका भी उन्होंने पूरा अपने जो मीटर है उनके पास में उसे उन्होंने पूरा रिकॉर्ड किया है। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट तक आपको सारी डाउट्स जो है बायफेशियल पैनल और सोलर एयर कंडीशनर से रिलेटेड वो सारे आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। एक चीज साथ के साथ और मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि बहुत सारे लोगों का यह होता है कि कहीं कोई जो पेड वीडियो तो नहीं है या कुछ इस तरह की वीडियो तो नहीं है, कोई नेक्सस का डीलर डिस्ट्रीब्यूटर तो नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं हितेंद्र जी हमारे कस्टमर हैं जिन्होंने हमसे फ्री एसी वाला जो पैक था वो उन्होंने हमसे बाई किया। आप चाहें तो बिल मैं शेयर कर दूंगा और हाथरस के जो नियर अबाउट में लोग हैं वो जाके उनके घर पे खुद चेक भी कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हितेंद्र जी का नंबर भी डाला है, जिन लोगों को कोई डाउट हो वो हितेंद्र जी के घर पे जाके चेक कर सकते हैं और उनका नंबर है उनसे आप सीधी बात भी कर सकते हैं। तो ये कोई पेड या प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये एक यूजर ने हमारे क्वालिटी प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड होकर एक वीडियो रिव्यू वीडियो मुझे भेजा है। तो अगेन धन्यवाद हितेंद्र जी का। मैं आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो के लास्ट तक आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। नमस्कार दीपक सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको आज एक चीज़ दिखाता हूँ, मेरा नेक्सस सोलर पैनल जो आपने मेरे को रिकमेंड किया था, ये आपके नेक्सस सोलर, यस बायफेशियल है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ दोबारा से। इसको लगाने से मेरा बिजली का बिल जीरो। आज मैं आपको ये वीडियो बना के इसलिए दे रहा हूँ कि आप सभी लोगों को इसके बारे में बताएं। पहले मेरा ये 300 वाट था भाई, 300 वाट छोटा रहता था। आपको दिखाता हूँ इसका जनरेशन, नीचे उतरता हूँ, आज आपको पूरा लोड दिखाता हूँ घर का कितना चलता है इससे। धूप अच्छी निकल रही है इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए ये मेरा 5 KW का MPPT आपका नेक्सस का PCU, इस समय बैटरी 13.3 एम्पीयर से चार्जिंग हो रही है। आपकी ये 4 बैटरी है मेरी UTL की सोलर बैटरी, 5 साल वारंटी, 5 KW का आपका ये PCU और 9 बायफेशियल पैनल है मेरे आपके 390 वाट। अब मैंने ये लगाया था मार्च में
माल से मेरा अब तक जो यूनिट बना है वो एक मैंने मीटर यहाँ लगा रखा है, जो मेरे इससे प्रोडक्शन जो मेरा घर में जब चलता है कितना मेरा यूनिट खर्च हुआ वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब तक इसने मेरा जो यूनिट बना के दिया है वो लगभग अभी आपको, और एसी मैंने अपना 4 अप्रैल में इंस्टॉल किया था, नेक्सस का जो मुझे स्कीम में मिला था दीपक जी द्वारा, एक बढ़िया स्कीम चलाई गई थी 3 किलोवाट सिस्टम में जिसमें सोलर एसी फ्री था। तो मैंने 3 किलोवाट सिस्टम में 8 पैनल के बजाय 9 पैनल लिए थे, 3 किलोवाट का पीसीयू न लेके 5 किलोवाट का पीसीयू लिया। ये 607 यूनिट मेरा अभी तक इसने ओवरऑल मेरे को दिया है, जो मेरा नीचे खर्च हुआ है ये आप देख सकते हैं। इसका स्टेटस एसी का बिल्कुल बंद है, लाइट मेरी आप देख रहे हैं, मेरी बैटरी 12 लगभग 3 एम्पियर 8 एम्पियर से चार्ज हो रही है। घर का लोड मैं नीचे का दिखाता हूँ आपको क्या क्या चल रहा है मेरा इससे। देखिए ये 1782 वाट के करीब मेरे को इस समय, ये अभी लगभग 1:30 बजे से ज़्यादा हो रहा है, तो ये मेरे को जनरेशन निकल के आ रहा है इसका। और देखेंगे अभी थोड़ा धूप भी थोड़ा सा डाउन हो गया, धूप भी देख रहे होंगे आप, बादल हो रहे हैं थोड़ा तो चलता रहता है, अच्छा है कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको अपना लोड दिखाता हूँ नीचे, देखिए क्या क्या मेरा लोड चल रहा है। ये पंखा चलते रहते हैं, बच्चे खाना खा रहे हैं, यहाँ पंखा चल रहा है आप देख रहे होंगे। ये मेरा फ्रिज जो चलता रहता है, इसमें आपको मैं बर्फ दिखाता हूँ, देखिएगा इस तरह की कंडीशन रहती है बर्फ की, ये बिल्कुल हिमालय बन गया है, 24 घंटे चलेगा तो सर यही होगा। अब देखिए मेरा ये रूम है, टीवी चल रहा है, लगभग 1:45 समय है दिन का, टीवी चल रहा है। ये मेरा सोलर एसी, इसका कंजप्शन 550 वाट, यस ये बहुत ही बेहतरीन एसी जो मुझे बहुत पसंद आया सर आपका। मेरा ये पुराना एसी था जो लगभग 1500 वाट लेता था, 5 स्टार सही लॉयड का था क्या करें वो था टेक्नोलॉजी वही, लेकिन आज की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है वो 550 वाट ले रही है, और मैंने देखा है सर ये 350 वाट तक में आ जाता है सुबह तक चलते चलते। अब आपको मैं एक मेन चीज़ दिखा रहा हूँ, ये इसमें 95.7 वाट, मैं आपको कुछ क्लियर करके दिखाता हूँ। ये जो बना है ये देखिएगा, ये आपको 226-27 तो वोल्टेज है, 3.10 एम्पियर है, 550 वाट है, 50 हर्ट्स, 95.7 यूनिट, यानी कि मेरा अप्रैल 4 से और आज 8, यानी एक महीने से ज़्यादा हो गया मेरा 95-96 यूनिट बना है अभी तक। पावर फैक्टर 0.77 है, तो ये ओवरऑल अगर काउंट करते हैं तो पर डे 3 यूनिट लगभग मेरा 15 घंटे चलता है, दिन में चलता है करीब 3 से 4 घंटे, दोपहर में एसी चलता है आपका ये सोलर एसी। ये आपका नेक्सस का सोलर एसी इस समय 24 डिग्री पर ये चल रहा है, कमरे का टेम्परेचर आप देखेंगे 29 डिग्री दिखा रहा है, यानी कि खूब ठंडा है। VLDC फैन है, लाइट वाइट चलती रहती है, कोई टेंशन नहीं है अब तो। जो ये मेरा आपका आपको अवे इलेक्ट्रिकल, ये मेरा आपका शॉप है आगरा रोड हाथरस, झटका मशीन, आवारा जानवरों से फसल की सुरक्षा ठीक है सर। मैं और आपको भी दिखाता हूँ अभी, देखिए पिताजी वाले कमरे में ये है, चलते रहते हैं घर में। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इधर भी, वॉशिंग मशीन अभी चल रहा था, ये अभी चलाता हूँ, चल रहा है यहाँ से इसको हैमर करता हूँ, ये वॉशिंग मशीन ये चल रहा है। आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, मेन्स ग्रिड अपना जो लाइट है वो पूरा ऑफ करके रखा है, ये दोनों कटआउट निकाल के रखे हुए हैं यहाँ। 5 किलोवाट का पहले स्टेबलाइजर हुआ करता था, उसका कोई ज़रूरत नहीं है, निकाल के रख दिया है पूरा। ये नया वायरिंग ऊपर से आ रहा है हमारा लाइट, ये यहाँ मेन बिल्कुल कट ऑफ, कोई ज़रूरत नहीं है, ना ज़रूरत पड़ी करीब लगभग 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीने से कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये आपका देखिएगा 5 फीट वाला जो कूलर होता है वो आपका रन कर रहा है इस समय, देख रहे होंगे आप, ये पानी चल रहा है इसमें। और इधर से हवा भी आपका, अंदर से दिखाता हूँ रूम से, पिताजी के कमरे में टीवी चलता है 29 इंची का टीवी, ये आपका ये टीवी चल रहा है,
और ये आपका 5 फिट वाला कूलर। जितने ज़्यादा लोगों को इस कला के बारे में अवगत करा सकते हैं या उनको, ये पूरा सिस्टम लाइट पूरा चलता रहता है घर में, कुछ भी चलाइए। आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ खाना बन रहा है, लाइट वाइट जल रही है, आपको मैं चलाता हूँ। ये फुल है, मैंने चलाया पहले से ही फुल है ये तो टंकी। ये चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, चलेगा लोड जो है। ठीक है, मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ, लाइट टंकी फुल होने के बाद भी कोई भी माथा नहीं ठलकता इसका जी। ये देखिएगा लोड, देखिएगा कितना है, यानी कि इस समय ना मेरी बैटरी खर्च हो रही ना मेरी बैटरी में आ रहा है। जो ऊपर से जनरेशन हो रहा है उससे सीधा लोड डायरेक्ट मेरा इतना चल रहा है। 2 पंखे हैं 3 पंखे BLDC के चल रहे हैं। ठीक है, 1990 वाट के करीब, 1900 साढ़े 1900 वाट के करीब मेरे को जनरेशन मिल रहा है, और लगभग इतना ही मेरा खर्चा होगा नीचे का, समर वगैरह चला के इतने का ही खर्चा है मेरा। तो उसमें मेरा 2 TV, 1 5 फिट कूलर, 1 सोलर AC, आपके पंखे, देखिए 2100 वाट मेरा आउटपुट नीचे का खर्चा है जो है, जो लाइट जो मेरे कंजप्शन हो रही है 2100 वाट हो रही है, तो वो रहता है। ये मेरा मेन मीटर जो मेरे अब तक 607 यूनिट बनाया है, इसमें से कि 95 यूनिट मेरा AC ने खर्च किया है, बाकी मेरे घर में खर्च होता है। फ्रिज है, एक फ्रिज चल रहा है, मैं बंद कर देता हूँ सबर को, यानी कि 2 TV चल रहे हैं मेरे घर में इस समय, वॉशिंग मशीन चल रही है, आपका 16 AC बहुत बढ़िया जो चल रहा है, और 3 पंखे ये है, देखिएगा वही लगभग 550 वाट रहता है। स्टेप करते हुए सुबह तक, यानी कि शाम को चलाते हैं जब सोते हैं, तो 550 वाट तक का लोड रहता है इसमें। अब ओवरऑल यानी कि 750 चलेगा, वो 15-20 मिनट चलेगा, फिर स्टेप करते करते डाउन होगा, जब सुबह उठते हैं तो वही 350 वाट लोड पर रह जाता है। ये पता नहीं आपका यूनिट लेता भी है या नहीं है। 1 महीने में आप देखेंगे तो लगभग आपको ये 95 का, यानी कि 30-35 दिन में आपको, यानी कि 3 यूनिट पर डे का आपका खर्चा है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, सुंदर लगे रही है सर, बहुत ही सुंदर चीज़, आपने बहुत अच्छी चीज़ दी। और मैं आपको दिखाता हूँ मेरा ये लॉयड वाला AC पीछे लगा हुआ है, पीछे अपना ओपन एरिया है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी आपका, आपने ऐसी चीज़ दी कि दिल खुश हो गया। ठीक है, ये आपका नेक्सस का है, नेक्सस सोलर एनर्जी चल रहा है, और ये आपका लॉयड का था, ये 2 साल पहले ही लिया था, मुझे क्या पता था कि आपकी टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है। ये देखिएगा, ये आपके ये घर में छोटा सा लगा रखे हैं, अंगूर आ रहे हैं अंगूरों को, ये रहता है। बंदरों से फेंसिंग लगा रखी है पुरानी, बंदर नहीं आते इसीलिए अंगूर हो रहे हैं, नहीं अदरवाइज बंदर नहीं छोड़ रहे हैं यार। जी थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।